तो एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन का अपने ससुराल वालों के साथ झगड़ा इंटरनेट पर सबसे चर्चित विषयों में से एक है। फैंस अक्सर यह अनुमान लगाते हैं कि क्या बच्चन परिवार में सब कुछ ठीक है, क्योंकि हर बार कोई नया विवाद सामने आता ही रहता है। वहीं अब तक कई लोग ऐश्वर्या राय को ही दोषी मानते थे, लेकिन इस बार जब ऐश्वर्या राय ने पूरे बच्चन फैमिली को उनकी औकात दिखाई है, तब फैंस ऐश्वर्या के ही सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे बच्चन परिवार अपनी बेटी और बहू के बीच फर्क करता है। कैसे बच्चन परिवार अपनी नशेड़ी गंजेड़ी बेटी को तो सर पे बिठाता है, मगर बहू और पोती का सरेआम अपमान करता है। तो आखिर ऐसा क्या किया बच्चन परिवार ने कि ऐश्वर्या को सरेआम करना पड़ा ससुर अमिताभ को बेइज्जत? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो काफी समय से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐश्वर्या और अभिषेक अलग हो गए हैं, लेकिन उनका तलाक नहीं हुआ है और वो एक ही घर में अलग अलग रह रहे हैं। इसी तरह अफवाहों का ये भी कहना है कि श्वेता बच्चन और निखिल नंदा अलग हो गए हैं, लेकिन उनका भी तलाक नहीं हुआ है। हालांकि बच्चन परिवार निखिल के प्रति सम्मान रखता है, जबकि वे अक्सर ऐश्वर्या के प्रति बहुत अधिक नेगेटिव रवैया अपनाते हैं। हाल ही में रेडिट पर स्क्रॉल करते समय हमें एक पोस्ट मिली, जिसमें बच्चन परिवार द्वारा अपने दामाद और बहू के संबंध में दिखाए गए व्यावहारिक अंतर को उजागर किया गया है। अफवाहों के अनुसार अभिषेक और श्वेता बच्चन दोनों की मैरिड लाइफ में समस्याएं हैं और वो अपने अपने लाइफ पार्टनर से अलग हो चुके हैं। हालांकि बच्चन परिवार निखिल नंदा और उनके परिवार के प्रति बेहद रिस्पेक्टफुल और फ्रेंडली है। दूसरी ओर बच्चन परिवार के सदस्य मुख्य रूप से अमिताभ बच्चन और जया बच्चन अक्सर कई मौकों पर ऐश्वर्या पर कटाक्ष करते हैं, टॉट कसते हैं। वो ऐश्वर्या और आराध्या के अस्तित्व को भी अनदेखा करना पसंद करते हैं, लेकिन निखिल और श्वेता के रिश्ते के मामले में ऐसा नहीं है। एक नेटिजन ने लिखा, दामाद और उनके परिवार को हमेशा बहू से ज्यादा सम्मान दिया जाता है इस घर में। वहीं अब ऐश्वर्या ने पलटवार करते हुए कुछ ना करते हुए भी बच्चन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल कल की फिल्म देखकर हर कोई अमिताभ बच्चन की तारीफ कर रहे हैं। कई रिव्यूज में ये तक कहा गया कि अमिताभ बच्चन ओवरशाइन कर गए हैं प्रभास और दीपिका पादुकोण को। अश्वत्थामा का रोल उन्होंने इतना जबरदस्त निभाया है, तो एक तरह से पूरी दुनिया अमिताभ बच्चन की तारीफ कर रही है। उनके परिवार की भी अगर बात करें तो नाव्या ने भी अमिताभ बच्चन की फोटो शेयर की। अमिताभ बच्चन ने अभिषेक बच्चन के लिए कल की फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। इस स्क्रीनिंग में अभिषेक बच्चन थे, उनकी पूरी टीम थी, लेकिन ऐश्वर्या मौजूद नहीं थी। और सोशल मीडिया पर अभिषेक की टीम की तरफ से ये भी शेयर किया गया कि वो पिता की इस फिल्म को देखकर कितने शॉक्ड थे और कितने खुश हुए अपने पापा का काम देखकर। अभिषेक सोशल मीडिया पर भी कल की फिल्म को लेकर चीजें शेयर करते ही रहे हैं। लेकिन बात करें ऐश्वर्या राय की, तो ऐश्वर्या राय ने कल की फिल्म को लेकर एक पोस्ट तक नहीं किया है। जहां एक तरफ दुनिया अमिताभ बच्चन के काम की तारीफ कर रही है, क्रिटिक्स फैंस हर जगह अमिताभ बच्चन का जिक्र हो रहा है, वहीं ऐश्वर्या राय ने इंस्टा पर एक पोस्ट तक नहीं डाली है अमिताभ बच्चन को लेकर या कल्की को लेकर। अब सोशल मीडिया पर बस यही चर्चा चल रही है कि आखिर ऐश्वर्या ने कल्की को लेकर कोई भी पोस्ट क्यों नहीं डाली। वहीं ऐश्वर्या के फैंस कह रहे हैं कि ऐश्वर्या ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि अमिताभ बच्चन भी पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी फिल्मों की तारीफ कर रहे हैं जिसमें थे ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों, लेकिन तारीफ वो सिर्फ अपने बेटे अभिषेक की कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने हाल ही में मणिरत्नम की फिल्म रावण फिल्म की तारीफ की, तो उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे अभिषेक के काम की तारीफ की। इसके अलावा कजरारे सॉन्ग के बारे में जब उन्होंने बात की, तब भी उन्होंने बहू ऐश्वर्या का जिक्र तक नहीं किया था। तो अमिताभ बच्चन ने जिस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट में ऐश्वर्या की तारीफ नहीं की, उन्हें इग्नोरेंस दी है, तो ऐश्वर्या ने भी इधर इग्नोरेंस का जवाब इग्नोरेंस से ही दिया है। तो फैंस कह रहे हैं कि ऐश्वर्या ने चुप रहकर भी बच्चन को उनकी औकात दिखा दी है। तो अब तक तो खबरें यहीं तक थी कि ऐश्वर्या की अपनी सास जया और ननद श्वेता से नहीं बनती है, लेकिन अब जिस तरह से ऐश्वर्या ने अमिताभ बच्चन की कल की फिल्म को लेकर इग्नोर किया है, उससे लगता है कि झगड़ा अब और आगे तक बढ़ चुका है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या ऐश्वर्या ने सही किया या गलत? क्या उन्हें बिग बी की तारीफ करनी चाहिए थी, या जैसे को तैसा वाला रुख अपनाते हुए ऐश ने जो किया सही किया? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो जब से सोनाक्षी ने जहीर इकबाल से शादी की है, सिन्हा परिवार का पारिवारिक झगड़ा सड़क पर आ गया है। जिस घर का नाम रामायण है,
वहाँ इन दिनों सोनाक्षी की वजह से महाभारत हो रही है और शादी के बाद सोनाक्षी ने जो हरकत की है उस वजह से खुद शत्रुघ्न सिन्हा भी बेहद आहत हैं। लोग सोनाक्षी पर तोहमतें लगा रहे हैं और शत्रुघ्न सिन्हा खुद महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने अपने घर का नाम तो रामायण रख दिया, घर में धार्मिक माहौल तो बनाया, मगर शायद अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देने में फेल हो गए। तो आखिर अब ऐसा और क्या कर दिया सोनाक्षी ने कि शत्रुघ्न सिन्हा को ऐसे करना पड़ रहा है डैमेज कंट्रोल। आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने खुशी खुशी शादी की, लेकिन सोशल मीडिया पर सोनाक्षी की ये शादी लोगों को भा नहीं रही है और सोनाक्षी के इस कदम से उनके पूरे परिवार को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है और वजह इनके परिवार का रामायण के प्रति प्रेम भी है। शत्रुघ्न सिन्हा की अगर बात करें तो उनके घर का नाम रामायण है, उनके भाइयों का नाम भरत, लक्ष्मण और राम है। और तो और शत्रुघ्न सिन्हा को जब बेटे हुए तो उन्होंने उनका नाम भी लवकुश रखा, यानी कि घर के अंदर पूरा रामायण का माहौल था और शत्रुघ्न सिन्हा का परिवार और उनके घर के बारे में हमेशा लोगों को कहानी और किस्से सुनाए जाते थे। एक एग्जाम्पल दिया जाता था कि कैसे पूरा परिवार रामायण को डेडिकेटेड है और कितना रिलीजियस है। लेकिन जब सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल जो कि दूसरे रिलीजन से है उससे शादी की तो लोगों का दिमाग खनक गया और लोगों ने बस यही कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने चाहे अपनी ब्रांड बिल्ड करने के लिए रामायण शब्द का इस्तेमाल किया हो और घर में रामायण का माहौल रखा हो, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों में वो रामायण वाली क्वालिटीज नहीं डाली, अपना धर्म ठीक से नहीं सिखाया। सोशल मीडिया पर अब यही कहा जा रहा है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा सभी लोग कह चुके हैं कि उनके लिए धर्म से ऊपर प्यार है, वो धर्म नहीं देखते, वो प्यार देखते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर यही कह रहे हैं लोग कि अगर आप धर्म नहीं देखते तो अपने घर का नाम आपने रामायण क्यों रखा, अपने घर का नाम किसी और रिलीजन पर रख लेते, आपने अपने बच्चों का नाम लव और कुश क्यों रखा, क्यों रामायण का माहौल बनाया, दूसरे नाम रख लेते, कुछ और ही रख लेते, नॉर्मल जीवन जीते, जिंदगी भर रामायण रामायण किया और अब सोनाक्षी ने ये कदम उठाया तो आप कह रहे हैं कि आपके लिए प्यार पहले है। सोशल मीडिया पर इसी तरह की बातें चल रही हैं। एक यूजर ने कहा कि सोनाक्षी का ये कदम उठाना विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है, तो किसी ने कहा सोनाक्षी तो शुरू से ही धर्म के प्रति या रामायण के प्रति जागरूक थी ही नहीं, ये तो कौन बनेगा करोड़पति में उस वक्त पता चल गया था जब रामायण से जुड़ा एक सवाल सोनाक्षी से पूछा गया और उसे उसका जवाब नहीं आया, तभी अमिताभ बच्चन ने सोनाक्षी को एक्सपोज कर दिया था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पता नहीं सोनाक्षी किस दुनिया में है, इतना देश और दुनिया में माहौल सोनाक्षी को नजर नहीं आ रहा है। ये होते हुए भी सोनाक्षी ने ऐसा कदम उठाया तो कहीं ना कहीं जनता आहत हुई है और इस पूरे मामले में पब्लिक बोल इसी ले रही है क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा एक पब्लिक फिगर है, सोनाक्षी सिन्हा खुद एक पब्लिक फिगर है और जहीर इकबाल भी एक्टर है। इनकी जिंदगी लोग देखते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं और रामायण से लोग जुड़े हुए हैं और उसी जगह जब इस तरह की चीज होती है तो लोग खुद को रोक नहीं पाते।